इत्तेफाक सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं होते सिंह, ऊपर वाले की बड़ी कृपा है मुझ पर। इस दफा एक इत्तेफाक मेरे साथ भी हुआ है। बाय गॉड मजा आएगा। पंडित जी को लाइए, लाइए जल्दी। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या हो रहा है इस कोर्ट में, और क्या आप बताने की जहमत करेंगे कि आप ऐसा होने क्यों दे रहे हैं? कौन है ये बाबा सर? इसका इस केस से क्या रिलेशन है सर? ना कोई एडवांस नोटिस है, ना अग्रिम सूचना है, क्या रेलेवेंस क्या है और आप इसे अलाउ कर रहे हैं? जनाब इस विटनेस का नोटिस देता ना तो ये विटनेस यहां नहीं होता, किसी मुर्दा घर में गड़ा हुआ होता। इस आदमी को मैं पकड़ के नहीं लाया हूं, पुलिस वाले पकड़ के लाए हैं। और जनाब इस विटनेस का इस केस के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। इंस्पेक्टर साहब आपने अरेस्ट किया इसको? जनाब ये वकील साहब एकदम सही कह रहे हैं, इस पंडित का इस केस से सीधा संबंध है। अगर संबंध नहीं हुआ ना इंस्पेक्टर साहब नौकरी खा जाऊंगा मैं आपकी, जानते हो ना ये बात। लेकिन जनाब मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। ठीक है मैं विटनेस को अलाउ करता हूं। नो सर, आई ऑब्जेक्ट सर, आई ऑब्जेक्ट। माथुर साहब मेरी बात सर। देखो क्या है यार, 3 बजने वाले हैं, बाहर जाएंगे ना बस मिलेगी ना रिक्शा मिलने वाला है, 6 बजे तक तो वैसे ही बैठना हम लोगों को, तो तब तक करवा लेते हैं विटनेस। मतलब हो सकता है कि इसमें कुछ निकली है, है जी? चलिए जी विटनेस बॉक्स में आ जाइए। नमस्कार पंडित जी, क्या हाल है आपका? घरेलू कपड़े वपड़े टीका शीका लगा के पूरी तैयारी में आए हैं? अभी भट्ट साहब खड़े हुए, कोर्ट को बताइए कि इन पंडित जी का नाम क्या? मोहम्मद इकबाल खादरी। जी मोहम्मद इकबाल खादरी। मोहम्मद इकबाल खादरी, इसको कहां से अरेस्ट कर लिया जी आपने? जनाब मथुरा से, 1 साल से वहां छुपा हुआ था साधु का भेष बनाकर। ये तो कमाल हो गया। जज साहब इंस्पेक्टर महोदय झूठ बोल रहे हैं, हमारा नाम इकबाल कादरी नहीं है, हमारा नाम तो रामकृष्ण सारस्वत है, हम तो निरीह ब्राह्मण हैं, ब्रह्मचारी हैं। हाँ जम्मू के रहने वाले हैं, उस वजह से भाषा में थोड़ी कश्मीरी झलक है, लेकिन हम वो नहीं है जो बताया जा रहा है। ये देखिए हमारा आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड। ओम प्रकाश जी जरा लेके आओ सर, लाओ जरा फटाफट लेके। जनाब ये पंडित सरासर झूठ बोल रहा है, इसने पुलिस को खुद स्टेटमेंट दिया है जिसमें इसने खुद कहा कि ये इकबाल कादरी है। कंधे के ऊपर उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 स्टार लगा रखे, इतना मालूम नहीं है कि पुलिस को दी गई स्टेटमेंट कोर्ट में एडमिसेबल नहीं है। जनाब ये इंसान एक ट्रेंड मिलिटेंट है, नकली आधार कार्ड बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप अच्छी तरह जानते, और फहीम भट्ट भी इसको आइडेंटिफाई कर चुके हैं। सर ये अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है। श्रीमान यहाँ आइडेंटिटी छुपा नहीं रहा है, अपनी आइडेंटिटी बता रहा है। कैसे बताएगा अपनी आइडेंटिटी, हम सब कैसे बताएंगे? सर आप सुंदरलाल त्रिपाठी हैं, मैं प्रबोध माथुर हूँ, ये पंडित जी हैं कानपुर वाले, कैसे पता पड़ेगा? किसी आधार कार्ड से, राशन कार्ड से या पासपोर्ट से, सबूत आपके सामने है सर, संदेह की कोई बात ही नहीं। और वैसे बता दूं सर, निवेदन कर रहा हूं, ये जो पंडित जी है ना ये ऑलरेडी झूठा गवाह पेश कर चुके हैं, बार एसोसिएशन ने इनका लाइसेंस रद्द कर दिया, चंद घंटों के मेहमान है ये वकीलगिरी से सर, इनकी बात को सीरियसली नहीं लिया जाए। माथुर सर चंद घंटे तो है ना लड़ लूंगा, तब तक तो लड़ सकता हूं ना। जॉली साहब ये देखो यार, कोर्ट में लड़ने वड़ने की बात मत करो आप। नहीं माथुर साहब एकदम ठीक बोल रहे हैं, मैं लगता है पुलिस से कोई गलती हो गई है। बाबा जी सॉरी, आप जा सकते हो। एक मिनट जॉली जी आप वहीं रुके। एक मिनट सर, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मैं इससे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। मैं सर बड़ी मुश्किल से इसको लेके आया हूँ, मैं एक मौका मुझे दे दीजिए। नहीं, आपने क्या कहा था अभी ऑटो बस कुछ नहीं मिलने वाला, एक मौका। एक मिनट आप चिल्लाना बंद करोगे जरा, 2 मिनट चुप रहोगे आप। गलती हो, 2 मिनट चुप रहो। ठीक है मैं विटनेस को अलाउ करता हूँ। अरे सर अब क्या सर, माथुर साहब आई थिंक कोर्ट हैज द राइट टू डिसाइड, ओके जी, एंड कोर्ट हैज डिसाइडेड, प्लीज। थैंक यू।
थैंक यू। तो आप मेरी ब्राह्मण ब्रह्मचारी, तो फिर धर्म का बड़ा ज्ञान होगा आपको। अवश्य है। मैं भी कान्यकुब्ज ब्राह्मण हूं, वो भी जनेऊधारी। तो चलिए दो ब्राह्मणों के बीच में शास्त्रार्थ हो जाए। पूछिए क्या पूछना है। चलिए गायत्री मंत्र सुनाइए। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम वर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत बढ़िया, पूरा नाम बताएं। रामकृष्ण प्रेम कृष्ण सारस्वत। धर्म हिंदू। हिंदू धर्म में कितने वेद हैं? चार। नाम बताएं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। चार युगों के नाम बताएं। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। वर्ण कितने हैं? चार। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आपका वर्ण क्या है? ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण? गौर ब्राह्मण। कौन से गौर? सांडे गौर। गोत्र? शांडिल्य। प्रवार? वशिष्ठ। वेद? यजुर्वेद। उपवेद? वेतरयानी। मुख? श्रीमुख। कुल देवता? सप्तेश्वरी। चरण? वाम? विश्वा। या अल्लाह, इससे आगे भी होता है। क्या कहा आपने? विश्वा नहीं पता। विश्वा नहीं पता। विश्वा से पहले क्या कहा? विश्वा से पहले क्या कहा इकबाल कादरी? लानत है तेरे पे इकबाल कादरी, लानत है। अब तो अल्लाह का नाम भी आ गया जुबान पे, अब तो सच बोल। देख तू कुछ भी कर ले, तू बचेगा नहीं। कब तक जिएगा झूठ की जिंदगी? अस्तग़फिरुल्लाह। वाइंटी वन पोज क्यामत के दो कुछ बुद्धि खुदाएश मैं आईने वजह से इतने किया खुदा जो छन कुछ गुनागार सोई कर फैसला पोज क्या छू क्या चौपोज के छू ना परवाह यति गरना मिला इंसाफ खुदा करे इंसाफ पन्नीस दरबार रजमस इंशाल्लाह। इकबाल कादरी, अगर मैं चाहता था तुम्हारा मेडिकल टेस्ट करवा के ये पता कर सकता तुम कितने बड़े पंडित हो, मगर मुझे तुम्हारी जुबान से सुनना था। कोर्ट को बताओ तुम्हारा असली नाम क्या है, बताओ। जज साहब, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल कादरी है। मुझे सिंह साहब ने अरेस्ट किया था, मैं उनकी कस्टडी में था, लेकिन उन्होंने मुझे कोर्ट में पेश नहीं किया। मैं जानता था कि वो मेरा एनकाउंटर करने वाले हैं। एक दिन मौका देखकर मैंने उनसे कहा कि अगर वो मुझे जाने देंगे तो मेरे आदमी उन्हें बहुत सारा पैसा देंगे, और उन्होंने मेरी बात मान ली। इसे लेके कहाँ जा रहे? सिंह साहब ने आजाद कर दिया जा रहा है। आजा। सिंह साहब को कितने पैसे दिए? 50 लाख, 25 लाख एडवांस और 25 एनकाउंटर के बाद। आई ऑब्जेक्ट श्रीमान। मुझे और कुछ नहीं कहना जनाब, मगर माथुर साहब की एक बात का जवाब जरूर देना चाहूंगा कि हमें सूर्यवीर सिंह चाहिए या फिर इकबाल कादरी। जनाब हमें दोनों ही नहीं चाहिए, हमें ऐसे ऐसे कादरी नहीं चाहिए जो बेगुनाह लोगों को मारना जिहाद समझते हैं, लेकिन हमें ऐसे सूर्यवीर सिंह भी नहीं चाहिए जो पैसों के लिए एक मिलिटेंट को छोड़ देते हैं और किसी बेकसूर की जान ले लेते हैं। मैं हिम्मती बहादुर पुलिस वालों को सलाम ठोकता हूं, झुककर सजदा करता हूं, लेकिन जिसके हाथ किसी बेकसूर के खून से रंगे हों उसे मैं वही कहूंगा जो वो है, कातिल। और ऐसे राक्षसों से बच के रहिएगा माथुर साहब। किसी ने 25-30 लाख ज्यादा दे दिए तो क्या पता अगला इत्तेफाक आपके साथ हो जाए। हां, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इस दुनिया के सबसे बड़े जाहिल ने कहा था कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज है, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर बॉर्डर पर सिपाहियों के सर काटने वाले भी जायज है और जवान लड़कियों पर एसिड फेंकने वाले आशिक भी,
क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर इकबाल कादरी भी जायज है और सूर्यवीर सिंह भी। अब आप ही तय करें जनाब कि ये दोनों जायज है या फिर दोनों नाजायज। सालों में एक बार कभी कोई ऐसा केस आता है जब इस कुर्सी पे बैठने का अफसोस नहीं होता है। नहीं तो जी मैं तो रोज ही कोर्ट आता हूं, बैठा रहता हूं कोर्ट के अंदर, घड़ी की तरफ देखता रहता हूं कि कब 6 बजे और कब मैं उठ के घर चला जाऊं। क्या करें जी, न्यायपालिका की हालत ही कुछ ऐसी है। ये देखो जी, ये अंधेरे बदबूदार कमरे जिन्हें कोर्ट कहा जाता है, भाई साहब इसमें हम जैसे जजों का आने का मन नहीं करता, आम जनता की बात तो क्या करें। हाँ जी मास्टर साहब, ठीक बोल रहा हूं ना मैं। मतलब 3 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग है इस देश के अंदर और कुल मिलाकर जज कितने, 21,000। यानी देखा जाए तो 1,00,000 लोगों पर एक जज, डेट बाई डेट पड़ती रहती है। हाँ जी, लोग आते रहते हैं, हताश होकर घर जाते रहते हैं। लेकिन फिर आज भी हिंदुस्तान में जब कहीं दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है ना, कोई विवाद होता है, तो एक दूसरे से क्या कहते हुए पाए जाते हैं, आई विल सी यू इन कोर्ट। क्यों करते हैं भाई लोग ऐसा? हाँ जी, क्योंकि आज भी लोग भरोसा करते हैं, भरोसा करते हैं न्यायपालिका पे। उनको भरोसा होता है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी, प्रशासन उनकी बात नहीं सुनेगा, पुलिस उनकी बात नहीं सुनेगी, तो कोर्ट सुनेगी उनकी बात, सुनेगी और न्याय देगी। भाई साहब, इस कुर्सी पे बैठा मेरे जैसा हर आदमी, उसका यह कर्तव्य बनता है कि वो इस भरोसे को ना टूटने दे। इस कोर्ट में पेश किए गए सभी गवाह और एविडेंसेस, एक बात तो एकदम साफ हो जाती है कि 13 अगस्त को गोमती नदी के पुल पे जो भी हुआ वो अचानक होने वाला एनकाउंटर नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत की जाने वाली हत्या थी। इसलिए ये कोर्ट इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह और उनके सभी साथियों को आईपीसी सेक्शन 302, 201, 182 और 340 के तहत हत्या, एविडेंस मिटाने, कोर्ट को गुमराह करने और झूठे सबूत पेश करने का दोषी मानते हुए लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाती है। और यह कोर्ट शहीद कांस्टेबल बलदेव सिंह भदौरिया के पुत्र राम कुमार भदौरिया को तुरंत रिहा करने का आदेश भी देती है। द कोर्ट इज अडजर्न्ड। Yeah, 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 yeah.
मैं दिल में देता दस्तक, वो पूछे रहो कब तक। मैं दिल में देता दस्तक, वो पूछे रहो कब तक। रातों में चलता मैं जैसे मैं कोई बैटमैन, लड़कियां कहते मुझे जाना तू है बैटमैन। मैं दिल में देता दस्तक, वो पूछे रहो कब तक। मैं रातों में चलता जैसे मैं हूँ बैटमैन, लड़कियां कहते मुझे मैं हूँ क्यों बैटमैन। बैटमैन मैं हूँ क्यों या ना बैटमैन। सुनते